हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ अमेज़ॉन पे बिज़नेस अकाउंट ओपन करने से सेलर को क्या बेनिफिट है और साथ ही में जो कस्टमर है जो बिज़नेस अकाउंट से परचेस करता है उसको क्या बेनिफिट है, इन दोनों बेनिफिट के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, अमेज़ॉन पे जब हम एज अ सेलर हम सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हम हमें जो कस्टमर मिलते हैं वो रिटेल में जो ख़रीदते हैं हमसे आइटम, यानी कि 1 आइटम 2 आइटम इस तरीके से क्वांटिटी में जो ख़रीदते हैं वो रिटेल कस्टमर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं हम जैसे मैं हूँ, मेरा ऑफिस है, मुझे कई बार काफ़ी कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रिंटर चाहिए होते हैं, 2-3 प्रिंटर, मतलब एक सेटअप की बात करूँ मैं तो एक सेटअप के लिए काफ़ी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, कंप्यूटर काफ़ी सारे चाहिए, किसी को 10 कंप्यूटर चाहिए, किसी को 5 कंप्यूटर चाहिए। तो इन जैसे कस्टमर्स को अमेज़ॉन पे जब वो जाता है परचेस करने, तो हम जैसे सेलर जो कि एक नॉर्मल सेलर है अपना बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन पे, जिससे एक बिज़नेस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और हम जैसे सेलर्स को वो बिज़नेस कस्टमर्स मिलते हैं, यानी कि हम ही वो सेलर्स हैं जो बिज़नेस कस्टमर भी हैं और हम ही वो सेलर हैं जो बिज़नेस सेलर भी कहलाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायर कैसे रजिस्टर्ड होता है अमेज़ॉन पे ताकि वो अपना बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सके। तो चलिए, अब ये हम देखते हैं कि आप अगर बायर हैं तो आप रजिस्टर्ड कैसे होंगे। ये अमेज़ॉन का पेज खुला हुआ है, amazon.in। amazon.in के बाद सपोज़ करते हैं आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया है, चलिए मैं मान लेता हूँ Galaxy M30, ये आपको पसंद आ गया। तो आप जब इसके प्रोडक्ट पेज की डिटेल्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा पार्टनर्स ऑफ़र, यहाँ पे देखेंगे आप ये एक्सचेंज ऑफ़र, EMI, बैंक ऑफ़र और ये पार्टनर ऑफ़र। पार्टनर ऑफ़र के सामने आप देखेंगे कि यहाँ पे 28% तक का आपको बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पे एक लिंक आएगा साइन अप फॉर फ्री। तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ अपने ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ अपनी GST डिटेल फुलफिल करनी है, आपको अपना ईमेल फिल करना है, सबमिट करना है और उसके बाद आने के बाद सिर्फ आपको अपना नया पासवर्ड जनरेट करना है और अपना ईमेल आईडी के साथ आप लॉगिन हो जाते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे GST नंबर पूछेगा, जैसे GST नंबर डालेंगे उसके बाद लॉगिन हो जाते हैं, आपको जो है बिजनेस अकाउंट मिल जाता है बायर वाला। इस तरीके से आपने रजिस्टर्ड हो गया। अब आप इसके बेनिफिट हम देख लेते हैं क्या बेनिफिट हैं। देखिए, इसका एक बेनिफिट सपोज़ मेजरिंग स्केल में ले लेता हूँ, मुझे मेजरिंग स्केल चाहिए ख़रीदना है, यही वाला मुझे ख़रीदना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे टैक्स ब्रेकअप जो है पूरा का पूरा मेरे सामने आता है। इसका प्राइस जो है 160 है एक्सक्लूडिंग GST, और GST के साथ जो मुझे मिलेगा 189 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे पे तो इतना ही करना पड़ेगा 189, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मुझे ये बता दिया कि GST के साथ आपके क्या प्राइसिंग है, यानी कि इतने रुपये का जितना डिफरेंस है, ये 160 और 190, मतलब 29 रुपीज़ का जो ये डिफरेंस है वो मुझे क्रेडिट इनपुट मिल जाएगा। ये बिजनेस अकाउंट जो सेल बायर का है उसमें ये ब्रेकअप आपको सामने नज़र आ जाता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कोई भी प्रोडक्ट आप खोल के देख लीजिए, सारे प्रोडक्ट में आपको, जैसे मैं ये वाला देख लेता हूँ, यहाँ पे 161 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST, 190 इंक्लूडिंग GST। अब हम और इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप बिजनेस डील्स भी हैं, बिजनेस डील्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये कुछ ऐसी डील्स हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट को दिखाता है जिसमें क्रेडिट अवेलेबल है, GST क्रेडिट अवेलेबल। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायर को इसमें क्या बेनिफिट है, यानी कि मैं अगर परचेस करने जाता हूँ किसी बिजनेस सेलर से तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट है GST इनपुट जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैं परचेस कर रहा हूँ, जैसे प्रोजेक्टर मान लीजिए, तो वो प्रोजेक्टर जो कॉस्ट मुझे दिखाता है वो 26,000 और उसका जो GST होता है यानी कि 6,000, टोटल मुझे 26,000 दिखा देता है वो, अगर मैं नॉर्मल कस्टमर हूँ। और अगर मैं बिज़नेस अकाउंट से ओपन करता हूँ तो वो प्रोडक्ट का मुझे ब्रेकअप दिखा देता है, यानी कि वो 26,000 का नहीं है, वो 18,000 का है, उसमें आप इतना टैक्स दे रहे हैं उस हिसाब से जो भी उनकी कैटेगरी में टैक्स होगा।
तो इस तरीके से उसका ब्रेकअप वहाँ पे मिल जाता है और हमें वो जीएसटी का क्रेडिट हमारे उसमें अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सेकंड इसमें बेनिफिट है, पीओ नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं, परचेजिंग ऑर्डर नंबर। एक बिजनेस के लिए होता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर हमने इस वेंडर से लिया है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर इस वेंडर से लिया, तो एक पीओ नंबर आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट हो जाता है आपके लिए और आपको पता लगता है और परचेजिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। थर्ड इसमें जो बेनिफिट है वो है बल्क ऑर्डर। सपोज मैं सेलर हूँ और मैं नया सेटअप करने जा रहा हूँ अपने ऑफिस में और मुझे जो है वहाँ पे 5 सिस्टम लगाने हैं, यानी 5 लैपटॉप मान लीजिए लैपटॉप मुझे वहाँ पे लगाने हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो मैं क्या करूँगा जब मैं देखूँगा कि वो पर्टिकुलर लैपटॉप मुझे 15,000 में मिल रहा है। लेकिन क्योंकि आज हम सेलर्स जानते हैं कि हर एक जगह डिफरेंट मार्केट प्लेस है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफर मिल रहा होगा, तो वो सेलर को भी पता है कि मैं फ्लिपकार्ट पे भी बेच रहा हूँ, मैं और डिफरेंट मार्केट प्लेस पे भी बेच रहा हूँ, तो कुछ प्राइस में ज़रूर डिफरेंस वो रखते हैं। तो इसी तरीके से जब बिज़नेस बायर हम बन के जाते हैं वहाँ पे बिज़नेस सेलर के पास, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें 5 क्वांटिटी लैपटॉप की चाहिए और वो 15,000 का बेच रहा है, तो हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बल्क ऑर्डर कि हमें ये 5 लैपटॉप चाहिए, क्या आप हमें ये 13,000 में दे सकते हो, इतना हमें 2,000 रुपीज़ पर ऑर्डर ऑफ कर सकते हो। तो एक ये बेनिफिट होता है कि आप बल्क ऑर्डर उनको दे सकते हैं। सेलर को यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाता है कि एक तो वो अमेज़ॉन से उसे बल्क ऑर्डर आता है, जिससे उसकी जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग अपग्रेड होती है और अमेज़ॉन में उसको ये बेनिफिट मिल जाता है कि बल्क में उसको ऑर्डर्स आते हैं बल्क बिजनेस बायर की तरफ से। सेकंड बेनिफिट इसमें अमेज़ॉन का ये होता है सेलर बिजनेस सेलर अकाउंट ओपन करने से कि वो परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं। कैसे बिजनेस में अकाउंट में रजिस्टर्ड होंगे वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें आपको करना ये है कि जो लिस्टिंग आपकी है वो लिस्टिंग वैसी ही रहने वाली है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, उसमें ऑटोमेटिकली एक टैब और ओपन हो जाता है, यानी कि बिजनेस डील्स कह लीजिए, बिजनेस के लिए जो प्राइसिंग आप रखना चाहते हैं बिजनेस कस्टमर्स के लिए, तो वो प्राइसिंग में आपको जैसे मान लीजिए कोई आप 500 का बेच रहे हैं तो उसको आप 50 रुपीज़ लेस करके कर सकते हैं, यानी कि वो बिज़नेस बायर्स के लिए हो जाता है प्राइसिंग। तो आपको एज इट इज़ रहने देनी है लिस्टिंग, बस वहाँ पे जाके आपने बिज़नेस अमाउंट वहाँ पे मेंशन कर देना।